नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ई ऑक्शन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ई ऑक्शन कब किया जाता है, ई ऑक्शन किस कंडीशन में किया जाता है, डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन कब करवाता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ई ऑक्शन को लेकर काफी लोगों के मन में डाउट है, काफी सवाल है और वो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछते हैं कि ई ऑक्शन कब होगा, सिस्टी ई ऑक्शन कब होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डीटी फ्रीडिस की तरफ से कुछ कंडीशन होता है ई ऑक्शन करवाने के लिए कि डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन कब करवाता है, ये सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा तो आप ये कमेंट करके नहीं पूछेंगे कि ई ऑक्शन कब होगा, कब करवाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि वीडियो में आप लोग सुनते भी होंगे कि अभी जो ई ऑक्शन होगा वो सिस्टी ई ऑक्शन होगा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले 59 ई ऑक्शन हो चुका है और अभी जो ई ऑक्शन होगा वो सिस्टी होगा, तो इसलिए सिस्टी ई ऑक्शन का नाम दिया गया है उसको। दोस्तों डीटी फ्री डिस्क को ई ऑक्शन करवाने के लिए कम से कम 2 से या 3 से ज्यादा स्लॉट खाली होना चाहिए। जब MPG 2 पे या MPG 4 पे 2 या 3 से ज्यादा स्लॉट खाली होगा तभी जाकर डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन करवाता है। दोस्तों आप सभी लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि डीटी फ्रीडिस कभी भी एक स्लॉट के लिए ई ऑक्शन नहीं करवाता है। जब भी डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन करवाएगा 2 या 3 से ज्यादा स्लॉट खाली होंगे तभी डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन करवाता है। और दोस्तों अभी अगर बात करें डीटी फ्रीडिस पर, तो डीटी फ्रीडिस पर MPG 2 में अभी कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, और वहीं बात करें अगर MPG 4 में, तो MPG 4 में सिर्फ एक स्लॉट खाली है जिसकी वजह से ई ऑक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक स्लॉट के लिए कभी भी ई ऑक्शन नहीं होता है। तो जैसे ही डीटी फ्रीडिस से कोई चैनल छोड़ के जाता है या कोई चैनल रिमूव होता है और 2 से या 3 से ज्यादा स्लॉट खाली होगा तब जाके डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन करवाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर बात करें हम सिस्टी ई ऑक्शन को लेकर कि सिस्टी ई ऑक्शन कब तक हो सकता है, तो दोस्तों सिस्टी ई ऑक्शन के लिए अभी आप सभी लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। जैसे ही कोई स्लॉट खाली होता है या कोई चैनल रिमूव होता है या कोई चैनल छोड़ के जाता है और 2 या 3 से ज्यादा स्लॉट खाली होता है तब जाके डीटी फ्रीडिस ई ऑक्शन करवाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें इन चारों चैनल की वापसी को लेकर कि ये चारों चैनल कब तक वापसी कर सकते हैं, तो दोस्तों जब तक सिस्टी ई ऑक्शन नहीं होगा तब तक ये चारों चैनल वापसी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से ये चारों चैनल भी सिस्टी ई ऑक्शन का वेट कर रहे हैं और आप सभी लोग भी वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे।